तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने की उठापटक लगातार जारी है और सियासी समीकरण दुरुस्त करने में बीजेपी शिवसेना जुटी हुई है। बता दें 30 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे से यहां पर अमित शाह की मुलाकात हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और अमित शाह उद्धव ठाकरे की मुलाकात से बात शायद बन सकती है, क्योंकि लगातार ये हम देखा है कि किस तरह से समीकरणों को मिलाने में और उन्हें तोड़ने में अमित शाह को महारत हासिल है और ऐसे ही उन्हें सियासत का चाणक्य यहां पर नहीं कहा जाता है क्योंकि जोड़ने में घटाने में उनको काफी महारत हासिल है। ऐसा ही हमने नजारा हरियाणा में भी हाल में देखा कि किस तरह से जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे, तो ऐसे में समर्थन किससे लिया जाए इसको लेकर काफी मथापच्ची चली, बैठकों का दौर चला जहां पर एक बात सामने आई कि शायद निर्दलीयों से यहां पर समर्थन लिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेजेपी से भी बातचीत यहां पर चल रही थी लेकिन गोपाल कांडा से समर्थन न लिया जाए इसकी भी कोशिश यहां पर की जा रही थी लेकिन अंत में जब बैठकें खत्म हुई तो अमित शाह और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला के बीच सहमति बनी कि जेजेपी बीजेपी का समर्थन करेगी और मिलकर यहां पर सरकार चलाएंगे हरियाणा में। और अब 30 अक्टूबर को जिस तरह से बताया जा रहा है कि अमित शाह की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हो सकती है, तो ऐसे में प्रयास यहां पर पूरे रहेंगे कि जो बहुमत का आंकड़ा यहां पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मिला है उसी सरकार भी यहां पर जल्द बन पाए।